हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं एसजीपी जीआईएमएस 2023 के बारे में। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म बता दो, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इसका फुल फॉर्म है। सो गाइस, यहाँ पे आप लोगों का संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आपको वेरियस कोर्सेज प्रोवाइड करे जाते लाइक बीएससी नर्सिंग, डीएम, एमसीएच, एमडी, पीएचडी, पीडीएफ, पीजीसीसी। तो इस तरह से किसी भी कोर्सेज के लिए अप्लाई करना था, आप लोगों को इसका जो एडमिशन प्रोसीजर क्लियर करना होगा। तो ये जो एग्जाम है गाइस, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है जो कि कंडक्ट ऑर्गेनाइज कर रहा था स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट के थ्रू। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका ऑनलाइन मोड में रिलीज होगा, तो आइए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर डेट्स की बात की जाए तो आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म जो है गाइस, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो है अक्टूबर में रिलीज किया जाता है, और काउंसलिंग आप लोगों का जो है गाइस नवंबर के एंड से यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है। ऑल्दो अभी तक जो ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू डेट्स अनाउंस नहीं की गई, लेकिन जैसे डेट्स अनाउंस होगी हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, और उस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को हर एक इवेंट की डेट्स जो एक्सप्लेन करके नोटिफाई कर दी जाएगी। नेक्स्ट बात करें अभी एप्लीकेशन फॉर्म की, तो गाइस आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं आपने कोई भी गलती की, कोई भी मिस्टेक या कोई भी इनवैलिड डिटेल्स एंटर की, तो गाइस आप लोग एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, मे बी आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट ना हो। क्या करना होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो वो भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले बता दूं कि जो स्टूडेंट्स रहते हैं फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फिल करते हैं, कोई आइडिया नहीं होता किस तरह से एप्लीकेशन फिल करना है, क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट किस तरह से स्कैन करना है, जस्ट किसी भी तरह से कोशिश करते हैं, उन्हें रिजेक्शन फेस करने पड़ता है। तो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं, इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, क्योंकि जिसे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, उस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा फ्रॉम स्टेप वन, यानी कि आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक इवन आप लोगों को पे करके बताया जाएगा। तो मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, ताकि गाइस आप लोगों को कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। एप्लीकेशन फी की बात कीजिए तो गाइस 100,000 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फी रहेगी, प्लस बैंक चार्जेस, जो बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस रहेंगे वो अलग से रहेंगे, डायरेक्टली डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग जो अपना यहाँ पे एप्लीकेशन फी पे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो गाइस आप लोगों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हर एक कोर्स के लिए अलग है। लाइक बीएससी नर्सिंग की बात की तो आप लोग उसके लिए 12 पास आउट होने चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट विद मिनिमम 50%, रिजर्व कास्ट के लिए 45%, और सिलेक्शन क्राइटेरिया इसका एंट्रेंस एग्जाम देना होगा फिर आपको एडमिशन दिया जाएगा। फिर बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के लिए आप लोग यहाँ पे 12 पास आउट होनी चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विद मिनिमम 45%, रिजर्व कास्ट के लिए 40% है, और आप लोगों का जो है गुड वर्बल नॉलेज रहना चाहिए इंग्लिश का, और इसके लिए आपका मेरिट देखा जाएगा एंट्रेंस एग्जाम के बेस, मेरिट रिलीज किया जाएगा, काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आप लोगों का एडमिशन दिया जाएगा। बीएससी रेंटल डायलिसिस टेक्नोलॉजी हो गया, बीएससी एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी हो गया, बीएससी इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस, बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, ये सारे ही कोर्सेज के गाइस सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने अभी लास्टली प्रीवियसली आपको बताया। उसके बाद फिर गाइस आप लोगों का यहाँ पे एडमिशन मीन्स आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। अब गाइस एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होता है, एडमिट कार्ड में आपकी बेसिक सी डिटेल्स रहती है लाइक फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सब्जेक्ट्स, टाइमिंग्स, एग्जाम के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस। मेन प्रॉब्लम ये होता है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाता कि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है और वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाता। कई बार ऐसा होता है कि जो एडमिट कार्ड रहता है गाइस यहाँ पे रिलीज हो जाता है, बट किस लिंक के थ्रू डाउनलोड करना है, क्या प्रोसेस डाउनलोड करने का नहीं पता होने के कारण स्टूडेंट्स डाउनलोड नहीं कर पाता है, और फिर एग्जाम के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड एग्जाम देना तो दूर की बात है, इवन एग्जाम सेंटर में भी नहीं लिया जाएगा। तो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं, इसलिए आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना, एडमिट कार्ड रिलीज होते हैं हम वीडियो बना देंगे, वीडियो में लाइव एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको बताया जाएगा, सेम प्रोसेस फॉलो करना, आपका एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। एंड सेम एज इट इज फॉर रिजल्ट एंड मेरिट लिस्ट एंड काउंसलिंग, तीनों इवेंट आपको लाइव परफॉर्म करके बता दिए जाएंगे। सो गाइस नाउ आई होप कि अभी आप लोगों को जो एसजीपी जीआईएमएस 2023 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा, इनकेस कोई डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।